सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का तीसरी कक्षा में। तो कल की क्लास में हम देख रहे थे कि पाठ दो के मतलब अच्छा पड़ोसी को इसके प्रश्न उत्तर हमने देखे, कौन कौन से चार प्रश्न उत्तर हमने देखे। आज एक बच्चा है वो देखेंगे और किसने किससे कहा और सही उत्तर चुनकर निशान लगाएंगे करेंगे, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो देखो पांचवा है, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? सदा अच्छी संगत करनी चाहिए, हमें सदा हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए। हाँ, बुरे मित्रों की संगत की तो हम फंस सकते हैं। हाँ, बुरे मित्रों की संगत की उनका साथ दिया तो हम फंस सकते हैं, यह सीख मिलती है। तो उत्तर लिखेंगे, उत्तर हमें हमेशा अच्छे अच्छी संगत करनी चाहिए। हमें हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए, बुरे मित्रों की संगत की तो हम फंस सकते हैं। बुरे इधर ही लिखना, बुरे मित्रों की संगत की तो हम फंस सकते हैं। यह शिक्षा मिलती है, मिलती है। यह देखो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? हमें हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए। हाँ, बुरी संगत, बुरे मित्रों की संगत की तो हम उसमें फंस सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी पूरे हो गए। हाँ, अभी प्रश्न क्रमांक दो क्या है, किसने किससे कहा, किसने किससे कहा? हाँ, हम लोग गीदड़ के बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल सकते, किसने बोला ये? हम लोग गीदड़ के बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल सकते, यह किसने बोला है? शेर के बच्चों ने अपनी माँ से कहा। क्या लिखना? शेर के बच्चों ने अपनी माँ से
किसने कहा? शेर ने बच्चों ने हा? किससे कहा? अपनी माँ से कहा। दूसरा है, मैं तुम सबको सदा बुरी संगत से दूर रखती हूँ। मैं तुम सबको सदा बुरी संगत से दूर रखती हूँ। किसने कहा? माँ ने अपने बच्चों से कहा, मतलब माँ शेरनी ने अपने बच्चों से कहा। इधर लिखना, माँ शेरनी ने अपने बच्चों से कहा। माँ शेरनी ने अपने बच्चों से कहा। तो ये हो गए दो, किसने किससे कहा। अभी इधर है, सही उत्तर चुनकर ऐसा टिक मार्क लगाए, मतलब निशान लगाए। सही उत्तर चुनकर निशान लगाए। ओके, तो क्या है पहला? बहुत ही देखो, बहुत ही जंगली और असभ्य ढंग से कौन खेलते थे? बहुत ही जंगली और असभ्य ढंग से कौन खेलते थे? कौन खेलते थे? पहला है बंदर, दूसरा है शेर के बच्चे, तीसरा है भालू के बच्चे, चौथा है गीदड़ के बच्चे। किसके बच्चे असभ्य और जंगली थे? हाँ, गीदड़ के बच्चे। तो ठीक किसे करना? चौथे नंबर को देखो, गीदड़ के बच्चे। हाँ, उसे ठीक करना है। दूसरा है, गीदड़ के बच्चे कहाँ आकर शेर के बच्चों से मित्रता करना चाहते थे? गीदड़ के बच्चे कहाँ आकर शेर के बच्चों से मित्रता करना चाहते थे? दोस्ती करना चाहते थे। किसके बच्चे कहाँ आकर? एक है, पहला है पेड़ के पास, दूसरा है अपनी गुफा के पास, तीसरा है शेर की मांत के पास, और चौथा है तालाब के पास। तो कहाँ आकर वो बार बार शेरनी से पूछते थे कि हम भी आपके बच्चों के साथ खेलना है, हमें भी आपके बच्चों के साथ खेलना है, ऐसा कहाँ आकर पूछते थे वो? शेर की मांद के पास। कहाँ? शेर की मांद के पास। मांद मतलब गुफा। हाँ, गुफा के पास आकर पूछते थे। तो कौन सा है यह? दूसरा है, दूसरा है। देखो इसको क्या करना है, ठीक करना है। शेर की मांद के पास, शेर की मांद के पास। तो और तीसरा है वो क्या करती हूँ मैं, इधर लिखती हूँ। तो इधर का हो गया कंप्लीट सभी का। जल्दी जल्दी क्या करो, आपको आप ये लिखो। देखो कौन सा है, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? हमें हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए, बुरे मित्रों की संगत की तो हम फंस सकते हैं। यह शिक्षा मिलती है। बाद में किसने किससे कहा? देखो, हम लोग गीदड़ के बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल सकते? किसने कहा? शेर के बच्चों ने अपनी माँ से कहा। दूसरा है, मैं तुम सबको सदा बुरी संगत से दूर रखती हूँ। किसने कहा? माँ शेरनी ने अपने बच्चों से कहा। तो ये क्या करना है, आपको लिखना है। तो मैं ये इरेज करके और एक क्वेश्चन लिखती हूँ। कौन सा सही उत्तर चिंतन का तीसरा एक है वो लिखती हूँ। ओके, तो ये आपको जल्दी जल्दी लिखना है। तो ये है तीसरा, गीदड़ के बच्चों
मिरर के बच्चे क्या करना चाहते थे, शेर के बच्चों की तरह क्या करना चाहते थे, आनंद लेना चाहते थे, गुर्राना चाहते थे, दहाड़ना चाहते थे या दौड़ना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, दहाड़ना चाहते थे। क्या है आंसर इसका उत्तर, दहाड़ना। तो ये सही है दहाड़ना। तो आज क्या क्या देखा है हमने, एक जो प्रश्न पूछा था वो देखा है, दो किसने किससे कहा, और ये तीन सही उत्तर चुनकर निशान लगाए, ये हमने देखे। हमको क्या है देखो, बहुत ही जंगली और असभ्य ढंग से कौन खेलते थे, कौन खेलते थे, गिरर के बच्चे। आंसर उसका उत्तर क्या है, गिरर के बच्चे। दूसरा है, गिरर के बच्चे कहाँ आकर शेर के बच्चों से मित्रता करना चाहते थे, कहाँ आकर। दूसरा, शेर की मात के पास, कहाँ आकर शेर की मात के पास आकर मित्रता करना चाहते थे। और तीसरा है, गिरर के बच्चों ने भी शेर के बच्चों के समान क्या करना चाहा, क्या करना चाहा, दहाड़ना चाहा। तो ये सभी क्या करना है आपको, एक बार इसमें लिखना है, इसमें नोटबुक में लिखना है क्लास वर्क, बाद में होमवर्क भी करना है इसका। ओके, तो ये एक बार क्लास वर्क करना और एक बार होमवर्क करना, ऐसे दो टू टाइम लिखना है। तो ये आपको क्या आएगा, क्वेश्चन आंसर सभी क्या हो गए, प्रिपेयर हो गए, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है। हाँ, तो इसमें से कौन से भी आ सकते हैं, इसके लिए ये कौन सी कविता, प्रार्थना कविता, और ये अच्छा पड़ोसी को, ये दोनों में दोनों पर क्या आ सकते हैं क्वेश्चन आंसर, सभी खाली जगह हो रही है, और किसने किससे कहा, हाँ विरुद्धत्व वाले शब्द सभी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन इसके पार्ट के नीचे जो जो प्रश्न उत्तर है मैंने जो जो सभी लिखाए हैं वो सभी आ सकते हैं। अभी दो दिन लगेगा हमें ये कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, ये सभी आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर होके रहना है एग्जाम के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, आगे कब आप कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।